हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन ने रविवार को लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्थापित प्रदेश की पहली वोट संबंधी टच स्क्रीन का उद्घाटन किया। इससे पहले हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया ने विधिवत रूप से रिबन काटकर प्रदेश की पहली वोट संबंधी टच स्क्रीन का शुभारंभ किया। इसके उपरांत CO राजीव रंजन ने टच स्क्रीन पर एक कर्मचारी और नागरिक का नाम डालकर टच स्क्रीन मशीन का निरीक्षण किया और टच स्क्रीन पर मतदाता मोबाइल नंबर डालकर मतदाता के फोन पर आए SMS को भी चेक किया। इसके साथ ही CO राजीव रंजन ने टोल फ्री नंबर 1950 को डायल करके वोट संबंधी जानकारी हासिल कर इस टोल फ्री नंबर को चेक किया, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया ने CO राजीव रंजन को कुरुक्षेत्र जिले की स्वीप गतिविधियों के साथ साथ लोकसभा आम चुनाव के तैयारियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी दी। एक नई टच स्क्रीन सुविधा दी गई है वोटर्स को। जो भी मिनी सेक्रेटेरिएट आएगा वहां पर 17 अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरकारी ऑफिसर्स में कुरुक्षेत्र में स्क्रीन स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि आप अपना नाम जो ना डालिए, नाम की स्पेलिंग नहीं भी पता, थोड़े कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा भी नाम दे रही है, तो आपकी जो ना पूरी की पूरी डेटाबेस में से नाम उठ करके आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे तो वोटर का भी नाम आ जाएगा, आपका जो ना EP कार्ड नंबर जो है, आपकी एज, कोई भी चीज़ आप जान सकते हैं, आपको पोलिंग स्टेशन क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा। नहीं, अभी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव में भी जो ना ये सुविधा जो ना रहेगी और इसके जरिए जो ना आप जान पाएंगे कि बकायदा आपका नाम है कि नहीं, आपके फैमिली मेम्बर के नाम है कि नहीं, आपका पोलिंग स्टेशन है कि नहीं, आपका EPIC नंबर है कि नहीं। चुनाव के बारे में मैं सबको कहना चाहूँगा कि देखिए, वोट देना आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। अगर आपने वोट नहीं बनाया तो 1950 पर फ़ोन करें और जाकर के चेक करें कि आपका वोट है कि नहीं। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जो कि जो ये सुविधा जो ना आपको दी गई है। अगर आपका वोट नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो ना जरूर बनवाएं। नहीं बनाएंगे तो आप चूक जाएंगे, समय आपके पास बहुत ही थोड़ा रह गया। अभी तो हम ये अपील कर रहे हैं कि वोट बनवाएं, जब चुनाव की तारीख नजदीक आ जाएगी तो हमारी अपील चेंज हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि वोट डालें और भारी से भारी संख्या में डालें। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।